नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 18 फरवरी 2020 और हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नेशनल करेंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करिए और डेली मॉर्निंग में उठकर करेंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमने कौन सा दिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रणजी मैच में दोहरा शतक लगाया। आपके ऑप्शन है जीवन ज्योत, हरप्रीत भाटिया, अमरदीप खरे कि राहुल सोनी। देखिए, आप लोगों को हरप्रीत भाटिया और जीवन ज्योत में कंफ्यूजन हो सकता है। हम जिस बात मैच की बात कर रहे हैं वो सर्विसेज के खिलाफ जो हम रणजी टीम ने जो लगाया है दोहरा शतक जिसने लगाया है वो कौन है, हम बात कर रहे हैं जीवन ज्योत की। जीवन ज्योत ने यहाँ पे करीब 236 रन बनाए हैं, 236 रन बनाए इन्होंने। साथ ही साथ हरप्रीत भाटिया ने जो है 191 रन बनाए हैं। कुछ समय पहले एक और मैच हुआ था उसमें हरप्रीत भाटिया ने दोहरा शतक लगाया था, तो ध्यान रखा कि इन्होंने दोनों ने दोहरा शतक लगाया। हम जिस हाल ही में हुए मैच की बात कर रहे हैं, सर्विसेज के साथ मैच हुआ था जिसमें जीवन ज्योत ने दोहरा शतक लगाया है। इतने बातें आपको, इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तरीय ताइकांडो स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है जशपुर में किया जा रहा है। तो याद रखेंगे ताइकांडो स्टेडियम जो है जशपुर में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है संतोष कुमार जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संतोष कुमार। तो याद रखेंगे कौन सा अवार्ड है, गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दिव्यांगजनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो पहले जो 50,000 रुपए था इसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1,00,000 रुपए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1,00,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जशपुर जिले से किस काल के औजार और समाधि की प्राप्ति हुई है। तो देखिए, अभी जो है पुरातत्विक विभाग को जशपुर जिले में औजार प्राप्त हुए, काफी बड़ा औजार था वो, किस काल का माना जा रहा है, उसे माना जा रहा है प्रागैतिहासिक काल का औजार मिले हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल। चलिए अब जब हम देखेंगे वो है नेशनल करंट अफेयर देखेंगे। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं हमने। देखिए, पहले सेफ्टी नामक इंटरनेट सुरक्षा अभियान किस कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये किया गया है गूगल द्वारा। इस पहले सेफ्टी नामक जो इंटरनेट सुरक्षा अभियान है क्यों लोग गया, लोगों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए यह अभियान चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम है देवाशीष पांडा। ध्यान रखेंगे इनका नाम देवाशीष पांडा जी जो है भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हवाई अड्डों पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। तो ई सिगरेट पर हवाई अड्डों पर अभी भारत ने प्रतिबंध लगाया है। ई सिगरेट जो है फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। अगला क्वेश्चन है, यूएई ने क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबिन सिंह। तो रॉबिन सिंह को यूएई ने क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और इसकी बात करें तो ये है आईसीसी का मुख्यालय की बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय जो है दुबई में है और आईसीसी के अध्यक्ष हैं शंकर मनोहर। और हम भारत में बात करें यानी कि बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई का मुख्यालय जो है ये मुंबई पे है और अभी जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी पीबीएल लीग 2020 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। किन्हें हराकर जीता, नॉर्थ ईस्ट वॉरियर। आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि किसे हराकर जीता। जनरली जो हम सीजीपीएससी और व्यापम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपके में अगर पूछना होगा व्यापम के किसी एग्जाम में तो पूछेगा कि किसने जीता है खिताब। इसका आंसर है बेंगलुरु रैप्टर्स। चलिए दोस्तों, हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं इनको क्विकली रिविजन कर लेते हैं, इससे आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रणजी मैच में दोहरा शतक लगाया, तो जीवन ज्योत ने। राष्ट्रीय स्तरीय ताइकांडो स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जशपुर में। गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, संतोष कुमार को। दिव्यांगजनों के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है, 1,00,000 रुपए। हाल ही में जशपुर जिले से किस काल के औजार और समाधि की प्राप्ति हुई है, तो वो था प्रागैतिहासिक काल। पहले सेफ्टी नामक इंटरनेट सुरक्षा अभियान किस कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई है, गूगल के द्वारा। भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, देवाशीष पांडा जी।
किस देश ने हवाई अड्डों पर ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? भारत ने। यूएई के क्रिकेट निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबिन सिंह को। प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2020 का खिताब किसने जीता? बेंगलुरु रैप्टर्स ने। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं सीजी एग्जाम क्वेश्चंस। इस पोर्शन में मैं वो क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो पीएससी और व्यापम में प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1983। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जोगीमारा गुफाएं निम्नलिखित जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है सरगुजा, जशपुर, कोरिया की बस्तर। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक जरूर किया करिए, और वीडियो को डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।